नमस्कार, आप सभी का वीडियो टीवी भारत में स्वागत है। बिहार के वैशाली जिले में रविवार शाम एक तेज रफ्तार ट्रक के धार्मिक जुलूस में घुस जाने से महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। दुर्घटना राज्य की राजधानी से लगभग 30 किलोमीटर दूर उत्तर बिहार जिले के देसरी थाना क्षेत्र में रात करीब 9 बजे हुई, जब जुलूस एक स्थानीय देवता की पूजा करने के लिए सड़क के किनारे एक पीपल के पेड़ के सामने इकट्ठा हुआ था, जिसको भूमिया बाबा का स्थान कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया और प्रत्येक पीड़ित के परिवार को 2 लाख रुपए और प्रत्येक घायल व्यक्ति को 50,000 रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि बिहार के वैशाली में हुई दुर्घटना दुखद है, शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना है, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घटना पर दुख व्यक्त किया और कहा कि दुर्घटना की खबरें बेहद दर्दनाक है। राजद विधायक मुकेश रोशन, जिनके महुआ विधानसभा क्षेत्र में घटना स्थल आता है, घटना स्थल पर पहुंचे और कहा कि कम से कम 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। कई अन्य को हाजीपुर जिला मुख्यालय के सदर अस्पताल में ले जाया गया और 3 ने रास्ते में दम तोड़ा है। जिनकी हालत गंभीर है उन्हें पटना के अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। वैशाली के पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने कहा कि शादियों से जुड़े रिवाज के तहत बारात निकाली गई थी। कुछ दिनों में पास के गांव सुल्तानपुर निवासी के घर में शादी तय थी। ट्रक का चालक बगल से तेज रफ्तार में जा रहा था, महनार हाजीपुर हाईवे पर नियंत्रण खो बैठा। वह क्षतिग्रस्त वाहन के अंदर फंस गया और हमें डर है कि उसकी मौत हो गई होगी। ताज़ा अपडेट के लिए वीडियो टीवी भारत से जुड़े रहें। नमस्कार।